जय माता दी, जय माँ कामाख्या। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप अपने धार्मिक जिज्ञासाओं के प्रश्न का उत्तर प्राप्त करोगे। माँ भगवती जगत जननी सभी को सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। प्रश्न ये है कि किसी व्यक्ति ने हिंदू धर्म से संबंधित किसी ऑर्गेनाइजेशन से एक नाम दान ले लिया। पहले वो नाम दान जो लिया वो जप करते रहे, फिर अचानक दूसरे एक और संगठन है उससे फिर से उनसे कोई नाम दान ले लिया। जब उनने नाम दान दो दो जगह से ले लिया, उसके जप तप करने लगे, फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करने लगे, तो उन्हें कुछ चीजों का आभास होने लगा। प्रश्न यह है कि जो दो बार हमने नाम दान लिया, दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर रहे हैं, देवी देवता को मंत्र भी जप कर रहे हैं, तो हमें कुछ आभास होने लगा कि हम जब पाठ करते हैं तो कोई ना कोई आता जाता है, नाम जप करते हैं तो कोई ना कोई आता जाता है, तो हमें डर लगने लगा, इसकी वजह से हमने सब चीज छोड़ दी। और मैं बड़ा कंफ्यूजन हूं, और आजकल मुझे डर लगता है पूजा पाठ करने से। यह प्रश्न है, जैसा यह प्रश्न है, यह कई अन्य लोगों का भी प्रश्न हो सकता है, क्योंकि बहुत से मनुष्य भटक रहे हैं, कंफ्यूजन में है, क्योंकि उन्हें सही गुरु नहीं मिल पा रहा है। हो सकता है पिछले जन्म के कर्म के अनुसार उनका गुरु दोष हो, पिछले जन्म के कर्म के अनुसार गुरु से श्रापित हो, गुरु चांडाल योग हो सकता है, या फिर गुरु नीच का हो सकता है। कुछ न कुछ गुरु दोष होने की वजह से सही गुरु तक वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, और पहले नाम दान लिया, फिर दूसरा नाम दान लिया, फिर देवी देवता के मंत्र जप करने लगे, फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने लगे, फिर जब अनुभव होने लगा तो पाठ बंद कर दिया, नाम जप बंद कर दिया। तो जब आप किसी शक्ति को बुलाते हो और जब वो महसूस होने लगती है तो डर लगता है, क्योंकि जो आपने जिन जिन गुरुओं से नाम दान लिया वो गुरु उपलब्ध ही नहीं है, मर गए, या फिर उनके पास इतना समय नहीं है कि आपकी उनसे बातचीत हो जाए। तो ऐसे बड़े बड़े गुरुओं से नाम दान मत लो, बड़े गुरुओं से गुरु दीक्षा मत लो, क्योंकि जब आपने गुरु दीक्षा ली है और नाम जप करते हो तो उन मंत्रों का प्रभाव होना चालू हो जाता है, क्योंकि गुरु, परम गुरु, परमेष्टि गुरु, तत्परात्पर गुरु, इन चार गुरुओं की पावर साथ में चलने लगती है, तो निश्चित तौर से अनुभव तो होंगे ही होंगे। और यदि आप जिस गुरु से आपने नाम दान लिया, यदि उनसे आप मिल नहीं सकते, उनसे बातचीत नहीं कर सकते, तो फिर आपका नाम लेने का मतलब क्या हुआ, मंत्र लेने का मतलब क्या हुआ, आप किसके पास जाओगे? और कंफ्यूजन में हो जाते हो, जिंदगी बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है जब अनुभव होने लगते हैं और डर लगने लगता है मंत्र जप करने पर, पूजा पाठ करने पर। तो आपने शक्तियों को अधूरा बुलाया ब्रह्मांड से, और वो शक्तियां जब आपके नजदीक आने लगती तब आपने बंद कर दिया, तो इससे अपमान होता है उन शक्तियों का। और जब अपमान होता है तो अब वो ऐसा मनुष्य को जो कि पूजा पाठ को करते करते अचानक छोड़ देता है, उसके जीवन में कष्ट आना प्रारंभ हो जाते हैं। तो कभी भी पूजा पाठ नहीं छोड़ना चाहिए। एक बार व्रत उपवास कर ले तो विधिवत उद्यापन करने के बाद में ही व्रत उपवास छोड़ना चाहिए, अन्यथा व्रत उपवास कंटिन्यू करते रहना चाहिए। जब तक आपका शरीर साथ देता है, कोई बीमारी नहीं लगती हो, तब तक आपको व्रत उपवास करते रहना चाहिए, जब तप करते रहना चाहिए, हवन पूजन कराते रहना चाहिए, ताकि आपके जीवन में कष्ट की प्राप्ति न हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मैं पुनः कहूंगा कि यदि आप किसी भी गुरु से नाम दान लेते हैं, मंत्र लेते हैं, तो उसी गुरु करके एक ही गुरु के बन के रहिए, दूसरे गुरु के पास मत जाइए। कहने का अर्थ यह कि आपको एक नाव में पैर रखना है, आपको 10 जगह भटकना नहीं है। किसी एक गुरु के ऊपर विश्वास रखिए, एक शक्ति को समर्पण कर दीजिए, तो आपकी इस भव सागर की जो नाव है ये आराम से तर जाएगी, इस समुद्र को क्रॉस कर जाएगी। बार बार गुरु बदलने पर भी दोष लगता है, क्योंकि एक गुरु हो सकता है सात्विक हो, दूसरा गुरु तामसिक हो, या अलग अलग विद्या वाले गुरु हो सकते हैं,
तो आपको सिर्फ एक ही गुरु पर विश्वास करना है, उन्हीं के कहे इन बातों के अनुसार चलना है, और उनके द्वारा दिए गए मंत्र या नाम दान है उसका जप करते रहें, तो आपकी नैया को पार लगा देंगे। गुरु में विश्वास भी होना चाहिए और समर्पण भाव भी होना चाहिए, उस शक्ति के प्रति जिसका मंत्र दिया उसके बारे में भी डिटेल जानकारी आपको होना चाहिए, और पूर्ण श्रद्धा भी होना अत्यंत आवश्यक है। और गुरु ने जैसे नियम बताए उन नियमों का पालन करते रहो, परंतु जो सार्वभौमिक सत्य नियम है उनका पालन तो आपको करना ही करना है, चाहे कोई गुरु बताए या नहीं बताए। अब सार्वभौमिक नियम कौन से हैं कि सबसे पहले हिंदू सनातन धर्म के द्वारा जो बड़े बुजुर्ग ऋषि मुनियों के द्वारा जो विभिन्न त्योहार बताए गए हैं उन सब त्योहारों को मनाना चाहिए, तभी तो आप भारतीय कहलाओगे, तभी तो आप हिंदू कहलाओगे। तो जितने भी त्योहार आते हैं, चाहे वो होली आती हो, चाहे वो दिवाली आती हो, चाहे वो राखी आती हो, या फिर ऋषि पंचमी आती हो, चाहे शिवरात्रि आती हो, महा जन्माष्टमी आती हो, कालरात्रि आती हो, नवरात्रि आती है, दशहरा आता है, अक्षय नवमी आती है, अक्षय तृतीय आती है, बसंत पंचमी आती है, ऐसे जो त्योहार बनाए गए इन सब त्योहारों का विशेष महत्व है, और इन त्योहारों को मनाने से उस दिन की जो शक्ति होती है उस शक्ति की कृपा आपके ऊपर प्राप्त होती ही होती है। तो आपको इन सब त्योहारों को मनाना चाहिए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार उस दिन दान देना चाहिए, दीपक लगाना चाहिए, उस शक्ति के नाम का जप स्मरण भी करना चाहिए। और गुरु पूर्णिमा के दिन जिन गुरुओं से आपने दीक्षा ली है उनके भी गुरु यानी कि गुरु परम गुरु परमेष्ठी गुरु तत्परात्पर गुरु, चाहे आपके गुरु यदि स्वर्ग सिधार गए हो तो उन चारों गुरुओं की पूजा भी आपको करना चाहिए। अब गुरु की पूजा कैसे करें, विधि विधान क्या होगा, तो उसके लिए आप देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं कि गुरु पूजन कैसे किया जाता है, इस संबंध में आपको उचित जानकारी प्रदान कर दी जाएगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या। तो आपको कभी भी कोई भी साधना करें, कोई भी जप तप करें, जब भी महसूस होने लग जाए कि आपके साथ कुछ अप्रत्याशित घटनाएं घटित हो रही है, कुछ महसूस हो जाए कि कोई शक्ति आपके नजदीक आती है, तो उसे दूर करने का प्रयास मत करिए, अन्यथा आप पागल भी हो सकते हो। आपका बिजनेस चलता हुआ बिजनेस बंद हो सकता है, आप सर्विस करते हो तो आपकी सर्विस से छूट सकती है, आपको क्रोध की उत्पत्ति होती है, आपका कई प्रकार से हजार प्रकार से शारीरिक मानसिक आर्थिक और पारिवारिक कोई सा नुकसान हो सकता है, तो आपको पुनः फिर उसी रास्ते पे चलना पड़ेगा, क्योंकि यह रास्ता जो आध्यात्मिक का रास्ता होता है या वन वे होता है, इसमें पीछे मुड़ के नहीं देखा जाता है। तो जो व्यक्ति अधूरी साधना करता है वो व्यक्ति निश्चित तौर से जीवन में परेशान अवश्य होता है, या तो उसे साधना ही नहीं करनी चाहिए, और करे तो पूर्ण साधना करना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। इसलिए जिन महाशय जी ने प्रश्न किया है उनसे मेरा यही कहना है कि उनने दो दो गुरुओं से नाम दान लिया है, मंत्र लिया है, उसके बाद भी फिर अपनी मर्जी से सप्तशती का पाठ करने लगे हैं, अपनी मर्जी से कुछ देवी देवताओं के मंत्र भी जप करने लगे हैं, और जब से इनने पाठ बंद किया ये परेशान रहने लगे हैं। तो इसका अर्थ यही है कि जो शक्ति नजदीक आती है वह आपके साथ एसोसिएट होना चाहती है, आपको उनके साथ एसोसिएट होना है, आपको शक्ति के हिसाब से बनना है, अपनी आत्मा को परिवर्तन करना, अपने कर्मों को परिवर्तन करना, अपनी सोच को परिवर्तन करना है, और उस शक्ति के हिसाब से आपको ढालना पड़ेगा, तभी वो शक्ति आपके साथ एसोसिएट होगी और आपका उद्धार हो सकता है, आपकी मुक्ति हो सकती है, आपका मोक्ष हो सकता है। तो जब भी पूजन अर्चन करें गुरु मंत्र जो भी दिया जाता है उस गुरु मंत्र को कंटिन्यू करते रहें। यदि गुरु आपका जीवित अवस्था में हो तो गुरु यदि मंत्र बदलते हैं तो वो मंत्र भी पुराना मंत्र भी करते रहना चाहिए, और नया मंत्र दिया है तो उसको भी जप करते रहना चाहिए। और यदि जिन गुरु से गुरु दीक्षा ली है यदि वो गुरु मर जाते हैं तो जो गुरु जी मर गए हैं उनको पिता समान मान करके उनका श्राद्ध कर्म भी करना चाहिए, उनके नाम से पिंडदान तर्पण भी करना चाहिए, और उनकी तिथि का जो दिन होता है श्राद्ध पक्ष में अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक पुत्रवत होकर के उनके मान सम्मान के लिए दान धर्म अवश्य करना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या।